अरे लगता है वो आ गए। अरे ये क्या, आज आप फिर से पी के आ गए? क्यों, तेरे बाप के पैसों से पिया क्या मैंने? और ये क्या, रात को इतना सज धज के कहाँ जा रही है तू? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो ये सब आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए? आज से पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया, फिर आज ऐसा क्या खास है? आज कुछ नहीं खास। और आपकी ये रोज पीकर घर आने की आदत कब जाएगी? चुप कर, ये सब तू अपने आशिक के लिए कर रही है ना, सब पता है मुझे। ये क्या, आप नशे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? सब पता है मुझे, मेरे पेट पीछे क्या गुल खिलाती है तू। जब से तेरे साथ शादी हुई है ना मेरी, सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा। शादी करने से खराब नहीं हुआ है, ये जो रोज पी के आ रहे हो ना, उससे खराब हुआ है। घर बैठे बैठे ज्यादा जबान चलने लगी है, मुझसे बहस करेगी, मुझे उल्टा जवाब देगी। देखिए, मुझे पता है, जब से आपका बिजनेस में लॉस हुआ है ना, तब से आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं। आपका परेशान रहना, नशा करना, सब मैं झेल रही हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पूरी जिंदगी बिगाड़ दी है तूने मेरी, और पूछती क्या बिगाड़ा है? यानी कि इस मनहूस घड़ी में मेरी शादी हुई थी तुझसे, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाए यहां से, बाहर जाओ तो बाहर टेंशन, घर में आओ तो घर में टेंशन, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया मेरा। अरे तो शराब पीने से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना, टेंशन खत्म करने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। बस कीजिए भैया, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो भाभी के ऊपर? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा? नहीं भैया, मैंने आपका हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि आप जो कर रहे थे वो गलत है। अच्छा, अब सब समझ गया मैं कि तू किसके लिए इतना बनती सजती सवरती है। इस 2 करोड़ी के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है ना तेरा, सब समझ गया मैं। दिमाग खराब है क्या आपका, कुछ भी बोले जा रहे हो। बस यही तो बाकी देखना रह गया था अब। तुझे क्या लगता है, मैं इस 2 करोड़ी के नौकर को अब इस घर में टिकने दूंगा? अरे आप क्या निकालोगे भैया मुझे, मैं खुद ही नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। जिस घर में औरत की इज्जत ना हो और मदद करने पर नाजायज संबंध होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, उस घर में मैं कभी काम नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो औरत की इज्जत ना करता हो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आपके जैसी बहुत औरतों को देखा है मैंने, जिनको घुट घुट कर जीने की आदत हो गई है। भला है बुरा है, लेकिन जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, लेकिन ऐसे घुट घुट के क्यों रहना है? मेरा मानना तो ये है कि किसी के साथ घुट घुट कर जीने से अच्छा है अकेले खुशी से जीना। आपको क्या, दुनिया के किसी भी औरत को ऐसा दानवपति नहीं मिलना चाहिए। मेरा क्या, मैं तो आपके घर से जा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, अपना ध्यान रखिएगा दीदी। अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, चल जाके खाना लगा। क्या कह रहे थे तुम? नौकर के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, बोलो। देख ये क्या कर रही, तू बेलन को ना वापस रख दे, रख दे वापस इसे।